देखिए नजरेबंद क्या है, नजरेबंद भी हकीकत है, जादू की तरह हो जाती है, लग जाती है। और एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की 10 में से 7 अमवात नजरेबंद की वजह से हुई। और एक सहाबी थे, वो नंगे बदन नहा रहे थे, तो दूसरे सहाबी ने उनकी तारीफ़ की, उनकी तरफ देखा, तो वो उसी वक्त फिसले और उनकी मौत हो गई। तो नबी सल्लम ने कहा कि उन्हें नजरेबंद लगी है। तो नजरेबंद भी हकीकत है, लेकिन इसका अब इलाज क्या है? ये आयत वैसे तो हया के हवाले से है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कि कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों को झुकाएं और शर्मगाह की हिफाजत करें। नज़रों को झुकाने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जब आपको कोई गलत चीज़ नज़र आए तो नज़रें झुकाएं या औरत से नज़र झुकाएं, वो भी है, लेकिन उलमा ये भी कहते हैं कि नज़रें झुकाने से मतलब ये कि जब आप किसी पे ज़्यादा नज़र डालें और माशाअल्लाह ना कहें, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो फिर वो हसद बन जाता है और हासिद से पनाह मांगी गई है। सूरह नास में है कि सूरह फलक में है, हासिद से जो है वो पनाह मांगी गई है। इसलिए वक्त तब भी अपनी नज़रों को झुका लो अगर किसी पे ज़्यादा नज़रें डाल रहे हो उसकी नेमत पे, और तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मेरे पास भी ये नेमत हो, तो फिर अपनी नज़रों को झुका लेना चाहिए। अब देखें बहुत से सवाल आते हैं कि मुझ पे काला जादू हो गया, और पाकिस्तान में तो ये मजाक ही बन गया है, हर बंदा समझता है उस पे काला जादू, और आगे से बताने वाले भी वो हैं जो कहते हैं जी तुम पे काला जादू है। बल्कि मेरे दोस्त ने एक बार एक मज़े की हरकत की कि एक जगह कॉल की जो बताते थे कि काला जादू है कि नहीं है, तो उन्होंने उसकी वालदा का नाम पूछा, उसने गलत मलत नाम बताया शरारत में, उन्होंने उसका नाम पूछा, उसने अपना भी गलत मलत बताया, एंड में वो कहते हैं आप पे जादू है। तो वो कहता है कि आपको कैसे पता है, मैंने तो वालदा का नाम भी गलत बताया, अपना नाम भी गलत बताया, आप कैसे कह रहे हैं मुझ पर जादू है। तो ये चीज़ भी समझ लें कि काला जादू होना कोई आसान चीज़ नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि हर बंदे पर काला जादू हो गया और हर बंदा जो है वो काले जादू के असर में। इसके मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूँ जो मैंने उलमा से सुने और जो पढ़े हैं। नजरेबंद के साइंस तो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा जमाइयाँ आना, बैठे बैठे आप सोए हैं बहुत ज़्यादा फिर भी जमाई आ रही है बहुत ज़्यादा, या बैठे बैठे थक जाना, ठीक है, या बैठे बैठे जो है ना वो नींद का गलबा तारी हो जाना और हर वक्त सुस्ती का शिकार रहना, ये नजरेबंद के कुछ साइंस हैं। और बीमार होना, बहुत ज़्यादा बीमार होना, ज़रूरत से ज़्यादा बीमार होना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, मेडिकल भी हो सकता है लेकिन नजरेबंद के आसार भी होते हैं, ये चीज़ नजरेबंद के हवाले से है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें पता है किसकी लगी है तो फिर उसको कहो वज़ू करो और उसके पानी से, उसके वज़ू के पानी से तुम नहाओ, दूसरे पानी में मिक्स कर, अगर नहीं पता किसकी लगी है तो फिर अपने ही वज़ू के पानी से नहा लो। और इसका बेहतरीन इलाज तो अस्कार है, सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने 11 आयात जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की, मुआवज़तैन इन्हें कहते हैं, जुड़ी हुई सूरतें। अब बात करते हैं काला जादू, काला जादू के जो साइंस हैं, पहली चीज़ काला जादू बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से होता है, आसान चीज़ नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिन्नात को और जादूगरों को, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप चांस ना दें, पहली चीज़ ये कि वो होता कब है, जब इंसान खुद मौका देता है, जब इंसान का ईमान बहुत कमज़ोर होता है तो शैतान को जो है वो बड़ा चांस मिल जाता है। नंबर टू, जब वो नमाजें नहीं पढ़ता, एक शख्स वुज़ू की हालत में नहीं है तो फिर ऑफकोर्स चांस मिल गया उन्हें बहुत ज़्यादा। नंबर थ्री, गंदगी में जब इंसान रहता है बहुत ज़्यादा गलीज हालत में, तहारत नहीं करता, तो जाहिर है चांस मिल गया उन्हें। औरतों के हवाले से निफास का जो ख्याल नहीं रखा जाता उस हवाले से, बेपर्दगी एक बहुत बड़ी वजह है जिन्नात के असर की। लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जादूगरों के, बकरे की सिरी मिलती है, ठीक है, और इसी तरह ख्वाब आते हैं अजीबो गरीब, खून के छींटे नज़र आते हैं आपको ख्वाब में, छिपकली मोजी जानवर, शेर, सांप ऊंचाई से गिरते हुए देखें आप अपने आप को, ये एक सिंबल साइन है, वन ऑफ द साइन, जरूरी नहीं काला जादू है, वन ऑफ द साइन, एक साइन है कि हो सकता है आपके काला जादू। आपको बैठे बैठे जो है ना वो दौरे पड़ने लग जाए, आपका जिस्म कांपने लग जाए, आपको ये पता ही ना हो कि 5 मिनट पहले मैं कहाँ था, आपको 10 मिनट पहले का नहीं पता, 5 मिनट पहले का नहीं पता, ये भी काला जादू का साइन होता है, चीज़ें भूलना, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें भूलना, और आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाए बहुत ज़्यादा और आप बैठे बैठे चिड़चिड़े हो जाएं,
लड़ाई करें और हर बंदे को खाने को दौड़े और आपका दिल ही ना करे, लोगों में बैठने का दिल ही ना करे आपका, और आपको जो है वो बदबू आए पखाने जैसी बैठे बैठे, और आपको ख्वाब में भी पखाना आए जरूरत से ज़्यादा, ये सारे साइंस हैं ब्लैक मैजिक के। लेकिन इन सारे साइंस का कंबाइन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं एक ख्वाब आया तो काला जादू ही है, क्योंकि ख्वाब तो हज़ारों आते हैं। मुझे इतने ख्वाब आते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी यकीन नहीं किया कि मुझ में काला जादू है। असल बात है ज़ईफुल एतकादी, स्पेशली ख़वातीन में, माजरत के साथ मत ये समझें कि आप में काला जादू और आपको नजरें बद होगी, क्योंकि अल्लाह से हुस्ने ज़न रखें। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको हिफाजत के लिए पूरा निज़ाम दिया है और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आप अल्लाह से ज़न ये रखें कि अल्लाह ताला नहीं ऐसे होने,